और तो सारे नपुंसक हैं ये लोग, भर में जितने पैदा हुए हैं सब बने पेट भर लेकर लेकर चले गए, कोई हम लोगों का नाम नहीं लिया। मनील को क्या जानते हैं, महेंद्र को क्या जानते हैं, राणा को क्या जानते हैं, सब ने स्वार्थ में भूले हुए हैं। हमारा नाम कन्हैया राजभर, जनपद गाजीपुर, ग्राम असावर भटवा से आते हैं, और हमको बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों के सामने बोलने का मौका मिला है। तो ओम प्रकाश के विषय में जो कहता है ना, वो बहुत मूर्ख की बात करता है। अरे देखा भैया, जब भैंस दूध ना दे ले तो उस सजा ले, जब भैंस दूध ना दे ले सजा ले तब एक एक बल्टी दूध देवे लगी थिरा जाई। हाँ तो सजला बन तो कुल जान थिराइल बलो। अच्छा, और जब भैंस जब सीमन चढ़ावल जला, जो उसे नहाला सीमन जब चढ़ावल जला और ना रुके ले तो नेटुआ के दिया जले। अच्छा। तो वो महेंद्र राजभर बना नेटुआ के दिए हैं अब। अच्छा। हाँ सजैला हम दूध बैला तब उस नेटुआ के दिए हैं, ये पटिया में नेटुआ उनके ले जाइए, उनके क्या पूछा था। अनिल राजभर बन, अरे वो लाशा हमने भैया लाशा। हाँ, जब आदमी का खून खराब होता है तो उसको टीबी आती है, खून उबाल करता है, और जो आम पेड़ बबूल का जो पेड़ है उसका खून खराब होता है लाशा बनकर बिकता है। अच्छा। हाँ वही लाशा है अनिल राजभर, वो दूसरे के जगह सट के दूसरों को लाशा सटता है तो दूसरों को भी खराब करता है, अपने अपने लाभ के लिए सटे हुए हैं भाजपा में तो लाशा है दूसरों को भी खराब करते हैं, सटा के वो लाशा बने हुए हैं तो खराब पेड़ का लाशा है। अच्छा। हाँ अच्छा पेड़ के नहीं लाशा है। राजभर के लिए कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, जब से ओम प्रकाश जी आए हैं वही जो है हम लोगों का नाम लिए हैं और देश प्रदेश में नाम हुआ है। तो हम अनिल मनील को क्या जानते हैं, महेंद्र को क्या जानते हैं, राणा को क्या जानते हैं, सब ने स्वार्थ में भूले हुए हैं। राणा आड़ा गोलन जरा होश नहीं खे, हम कहा हई खन इधर से जाते हैं पैसा लेकर उधर से जाते हैं, अभी आए थे हमारे गाँव में जो बुर्बकों की जोली बटोर कर 100-100 रुपया लेकर 10 लाख रुपए बना लेकर चले गए, इन गरीबों का खून चूसने वाला वो क्या बात करेगा। राणा आड़ा चले गए, उनका बात खत्म करिए, और जो हमारे बिरादरी में है उनकी भी बातें वही है। राणा एक और बात है, एक और वो बात कहते हैं कि ये जो है भर जो है जो बता रहे इसमें जो है कोई ये एसटी में शामिल नहीं होगा, ये भर जो है ये जाते, और ये भी कहते कि आरक्षण नहीं मिलेगा। ओम प्रकाश राजभर जैसे भी लगे हैं पूरा वो प्रूफ दिखा रहे हैं कि ये आरक्षण नहीं मिल पाएगा। आरक्षण मिले या ना मिले, हम लोग लगे हुए आरक्षण पे दम पर न लेंगे ना। पहले बोल के लेंगे भैंस ना सजाई तो दूध ना दही, अब कुल जन बोला तो कि हमारे माँ हम देव आरक्षण हम देव काहे ना मिले, आरक्षण मिलबे करी हमने के। अच्छा एक और बात है, संविधान बना के आरक्षण लेंगे, मत दीजिए सर आरक्षण। अच्छा, एक महेंद्र राजभर के पार्टी में एक ब्रिजेश राजभर थे जो ओम प्रकाश राजभर के जो है फोटो पे मालार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित किए थे। अरे भैया श्रद्धांजलि कर लो तो ओम प्रकाश नहीं सक किसान, उन्हीं की श्रद्धांजलि हो गई, वही मर गए। और हाँ, जो श्रद्धांजलि किया है ओम प्रकाश की वही मर गए, और क्या बातें वो करेगा जिसके विषय में उसका पता ही नहीं कि हम क्या हैं, हम कहाँ रहना चाहिए, उसका ढंग सहूर नहीं है, इधर से उधर मंगा रहे हो, क्या बातें करेगा। तो लोग कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के पार्टी में वो आ रहे हैं, ऐबे करी हैं, जब लात मराई एक जगह से दूसरा जगह ऐबे कही यहाँ मिली तो है ना, यहाँ पर ओम प्रकाश उनके दी है रक्षा करी हैं, तबे रहा होता कि सौखन थोड़े आता आज शिकायत के लाना पिटेल हन तेन लोगों का। अरे लत खोरवन की ये काम बा, जहाँ पिटा था से फिर यहाँ देखा तो हुआ देखा, इनका यही रास्ता है। अरे ओम प्रकाश ने जितना काम कर दिया है हमारे भर के लिए नहीं, छत्तीसों बिरादरी के लिए गरीब है उनकी मांग करता है वो। देखिए अभी चुनाव में बिहार में गए थे, वहाँ इतना उनका जलवा बढ़िया था कि 2 सीटें वहाँ संसद का विरोधी कह रहे ना कि सब ओम प्रकाश राजभर यूपी से बिहार में भाग पर आ रहे हैं, भाग पर आ रहे हैं। यूपी बिहार भारत का ना है, वो आंध्र नहीं जाएंगे कि राजस्थान नहीं जाएंगे, बंगाल नहीं जाएंगे कि केरला नहीं, कहाँ नहीं जाएंगे, हर जगह जाएंगे, हर जगह प्रचार करेंगे कि विदेश थोड़े भाग कर जाते हैं, वो हमारे भारत का अंग है तो वहाँ भी प्रचार करेंगे, उस जनता को जगाएंगे कि अपना हक हकदार लीजिए। तो क्यों भाग कर गई, भागना थोड़े हुआ, वहाँ जगाना हुआ, उनकी सोच गलत है। ओम प्रकाश ऐसे वीर है, वो ऐसे सपूत है जो कि महाराजा सुहलदेव के वंशज से वही एक पौधा पैदा हुआ है जो कि सारी दुनिया में छा रहा है और सबको जगा रहा है, और तो सारे नपुंसक हैं ये लोग, भर में जितने पैदा हुए हैं सब बने पेट भर लेकर लेकर चले गए, कोई हम लोगों का नाम नहीं लिया। आप सबको नपुंसक बना रहे हैं, राजभर समाज के जो नेता है ओम प्रकाश के अलावा सब लोग नपुंसक। मान लीजिए कि जो
जो लड़का अपने बाप महतारी का पे खानदान का नहीं होगा क्या कहा जाएगा, नपुंसके ने कहा जाएगा, क्योंकि चिन्हित नहीं है कि हम क्या है, किस खानदान के हैं, कहाँ बातें करते हैं, अपने पेट भरने की फेर में पड़ा हुआ है, जो रुपया पैसा लेकर पेट भर रहा है। किस पर आपका निशाना है? हाँ, हमारा निशाना ओम प्रकाश पर है। ओम प्रकाश भारी मतों से जीतेंगे और चुनाव घोषी का जो रहा है तो अटल जी भी चुनाव हारे हैं, इंदिरा गांधी हारी है, मनमोहन से चुनाव हारने जितने कौन बात है, उनकी बात तो नहीं हारी है, जो कहते हैं अब तक कहते रहे हैं, उनकी बात में कमी नहीं आई है, अब तक वही बातें बोलते हैं। ओम प्रकाश राजभर वही बातें बोलते हैं जो आप बोलते रहे हैं कि मैं गरीबों का हक दिलवा कर रहूँगा, तो अब तक भी बोलते हैं। चलिए, तमाम ये बातें आई, फिलहाल आपका क्या सुझाव है जरूर बताइएगा। इस वक्त के लिए इतना ही, नमस्कार।